हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशीला एजुकेशन। फ्रेंड्स, डीए इन सीएजी बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट है। इस पोस्ट की कंप्लीट जॉब प्रोफाइल हम इस वीडियो में देखेंगे। क्या होता है डिविजनल अकाउंटेंट का काम, सीएजी क्या होता है, सीएजी के अंडर में एक इम्पोर्टेंट पोस्ट आती है तो करियर कैसा है, कहाँ कहाँ पोस्टिंग होती है, क्या काम करना होता है, पूरी वीडियो में हम डिविजनल अकाउंटेंट के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, डिविजनल अकाउंटेंट की जो पोस्ट है वो ग्रुप बी ऑफिसर पोस्ट है, ये सीएजी के अंडर में आती है। जब आप इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपकी ऑल इंडिया पोस्टिंग होगी। जी हाँ, कहीं भी आपकी, आपको अगर ये होम स्टेट चाहिए तो आपको होम स्टेट इसमें मिल सकता है। इनहैंड सैलरी आती है 44,000। 44,000 में आपकी सारी फैसिलिटीज़ यानी कि HR, TA, DA सब कुछ इंक्लूडेड है। और देखिए, ये जो पोस्ट है ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के अंडर में आती है, ये आपको पता होना चाहिए। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर पोस्ट। तो चलिए अब देखते हैं डिविजनल अकाउंटेंट की जॉब प्रोफाइल। डिविजनल अकाउंटेंट को करना क्या होता है, देखिए नाम से आपको पता चल रहा होगा अकाउंटेंट। एक छोटी सी अब दुकान की भी बात करें तो अकाउंटेंट क्या करता है, कोई भी खरीदी बिक्री होती है, कोई खर्च होता है, उसका हिसाब किताब करना। अब इसको बड़े स्वरूप में देखेंगे तो राज्य सरकार में जितने भी विभाग होते हैं, जैसे कि PWD हो गया, इरिगेशन हो गया, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया, या कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, ये सब खर्च करते हैं सड़क बनाने में या सिंचाई की किसी योजना में या किसी मेंटेनेंस के काम में या शहर को पानी पिलाने में। ये अलग अलग जगह से खर्च करते हैं ये सब डिपार्टमेंट, लेकिन ये जो पैसा खर्च करते हैं ये किसका पैसा होता है, ये जनता का पैसा होता है। इस जनता के पैसे का जो खर्च होता है, इस खर्च की निगरानी रखने के लिए CAG डिविजनल अकाउंटेंट को अपॉइंट करता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो है डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट एक सेंट्रल एम्प्लॉई है, लेकिन काम करेगा स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, सैलरी इसको देगा स्टेट गवर्नमेंट, अपॉइंट किया है CAG ने। तो ये बेसिक फ़र्क है। तो आप इससे समझ गए होंगे कि डिविजनल अकाउंटेंट करता क्या है। चेक करेगा जो भी खर्च एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो उस लेवल का जो अधिकारी है राज्य सरकार का या राज्य सरकार के किसी विभाग का, वो जो खर्च कर रहा है वो सही तरीके से खर्च कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको चेक करना, उसके बिल पास करना, उसको फाइनेंशियल एडवाइस देना, ओके, इस तरह के काम होते हैं। तो ओवरऑल देखेंगे तो पोस्ट काफ़ी अच्छी है, कोई बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम नहीं है। डिविजनल अकाउंटेंट के खुद के अंडर में कुछ हेड क्लर्क होते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं, तो अच्छा खासा स्टाफ मिलता है। खुद ही को बहुत सारा ऐसा नहीं कि मैनुअल काम करना पड़ रहा है फाइल रिलेटेड। और ऐसा जो ज्वाइन कर चुके हैं वो कहते हैं कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिलैक्स जॉब, ऐसा वो कहते हैं जो ज्वाइन काम कर रहे हैं। तो हालांकि काम तो आपको करना ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है, आराम का तो कुछ भी नहीं होता है। बट मैं आपको बता दूँ कि अच्छी जॉब है, काफ़ी अच्छी है। स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स मुझसे कई पूछती हैं कि कौन सी जॉब करना चाहिए, प्रेफरेंस क्या है, तो मैं कहूँगा कि ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी अच्छी है। वो लोग जो और पढ़ना चाहते हैं, कोई PG करना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, उनके लिए भी डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट बहुत अच्छी है। अच्छी बात इसमें यह भी है कि आपको आपका होम स्टेट मिल सकता है, ओके। तो ये ओवरऑल प्रोफाइल थी DA की। प्रमोशन की बात करते हैं, डिविजनल अकाउंटेंट की प्रमोशन एवरेज प्रमोशन होते हैं। फर्स्ट प्रमोशन डिविजनल अकाउंटेंट Grade 2 की पोस्ट पर होता है, उसमें लगभग 5 साल लग जाते हैं। फिर डिविजनल अकाउंटेंट Grade 1, फिर सीनियर डिविजनल अकाउंटेंट, उसमें 8 साल लगते हैं। तो ऑल इन ऑल देखेंगे तो एवरेज प्रमोशन एस्पेक्ट्स हैं। तो चलिए क्विक रिव्यू ले लेते हैं डिविजनल अकाउंटेंट इन CAG पोस्ट का, क्या काम करना होता है, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं पोस्ट के। जैसा मैंने आपको बताया, दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट रिलैक्स्ड जॉब, इसे लोग मानते हैं, ऐसा कहते हैं। इसमें आपको काफ़ी स्पेयर टाइम मिलता है, तो आपको कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है या आप खुद के लिए पढ़ाई करना या कोई कुछ भी आप करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। आपका डेफिनेटली ऑफिस के बाहर तो कोई ऐसा पावर नहीं जैसे कि इनकम टैक्स में होता है, CBI में होता है, लेकिन जिस ऑफिस में आप काम करते हैं डेफिनेटली वहाँ पर आपका इन्फ्लुएंस काफ़ी रहेगा, क्योंकि पूरा अकाउंट्स आपके हाथ में होता है, आपको बिल्स पास करना है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो भी बिल आपको सामने रखता है उनको वेरीफाई आपको करना है, तो काफ़ी पावर होता है आपके हाथ में। और जैसे मैंने बताया, इसका कौन सा ये कि आप ऑफिस के बाहर आपको कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है, कोई पावर नहीं होता जैसा कि CBI में, NIA में, सॉरी NIA नहीं, दूसरी पोस्ट में जो होता है। हाँ, एक और चीज़ है कि ये पोस्ट में कोई एडवेंचर नहीं है, आपको सिर्फ ऑफिस जॉब है, 9 to 5 वाला काम है, आपको कोई बाहर जाके कोई फील्ड का काम करना या कोई ऐसा कुछ काम करना जिसमें आपको एडवेंचर है तो ऐसा कुछ नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ,
डिविजनल अकाउंटेंट रहते हुए आप 2 साल की कंप्लीट जो आप करने के बाद SAS की एग्ज़ाम होती है, सबॉर्डिनेट अकाउंट सर्विस, वो एग्ज़ाम अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप सीधे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट पे जा सकते हैं। ये वही AAO की पोस्ट है जो SSC CGL में होती है, और इसमें आपको एक एक्स्ट्रा पेपर देना होता है फाइनेंस और अकाउंट्स का। ओके, तो आप अगर वो पेपर अभी नहीं दे पाते, नहीं प्रिपरेशन कर पा रहे हैं या उसमें मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अब DA की पोस्ट लेकर के 2 साल के बाद आप AAO भी बन सकते हैं। ओके, तो ये डिविजनल अकाउंटेंट के बारे में ओवरऑल मैंने आपको बताया। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। ऐसे SSC CGL एग्जाम से रिलेटेड और वीडियोज़ मैं देता रहूँगा आपको। थैंक यू सो मच।